हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम फिर एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, और जिस चीज़ पे मैं रिएक्ट करने लगा हूँ, ये चीज़ मैं देखी तो बड़े पहले की रही है, ठीक है, बरसों से देखी है मैंने, लेकिन मैं खास ढूंढी, मैंने अपने कहते दोस्त साथ बैठ के खास ढूंढी है कि इस पर दोबारा, ताकि इस पर दोबारा रिएक्ट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ इट गोस। एक छोटा सा सवाल है आज जाना, आपको खाने में क्या पसंद है? वैसे क्या चीज आप शौक से खाती हैं? किसी शौक से खाती हूँ, यानी पाकिस्तानी हो गया, कोई मतलब कोई पाकिस्तानी भी डिश, खाने। ठीक है, बिरयानी वगैरह। अगर आपके सामने बिरयानी गर्मा गर्म आए और अच्छी लजीज पकी और उसकी खुशबू भी आए, तो आपके दिल में भूख नहीं उठेगी, आपको खाने का दिल नहीं करेगा, या आप उस वक्त रास्ते तलाश नहीं करेंगे? देखिए, अगर मैं परहेज कर रही हूँ ना, और मुझे पता है कि बिरयानी मेरे लिए जो है वो बुरी है, अगर मैं बटना करे डायबिटिक हो गई और मेरे सामने जो है वो मुझे पता है कि जी ये चीनी खाने से मेरा शुगर बढ़ जाएगा, और खुदा ना करे ये इस बिरयानी खाने से मैं एक क्राइम कर रही हूँ, तो मैं क्राइम नहीं करूंगी। आप प्लीज ये मेरे लिए बहाने मत बनाए कि जी मेरे सामने गर्मा गर्म बिरयानी पक गई तो जी मैं क्यों नहीं खाऊंगी। अगर बिरयानी खाना मेरे लिए गुना है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ठीक, गुनाह क्यों पर करूंगी, और वो भी किसी और को नुकसान पहुंचा के। मैं ठीक है, वाजे हो गए। दूसरे मैं को एक नुकसान मुख्तसर क्यों से करूंगी? अल्लाह का शुक्र है, ये बात किसी ना आलिम ने दिखी है, किसी दाढ़ी वाले ने दिखी है अभी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। ऑल दो ये गद्दी सी एग्जांपल मार्केट में इतनी मशहूर हुई हुई है ना, फॉर सम वियर्ड रीजन, कुत्ते को अंडी दे देना, शहद को मक्खी दे देना, ठीक है ना, इस तरह भाई में कॉल बजानी दे देना। पहली बार अच्छा बेसिक की बात है, बड़ा मेरे को इंटेलेक्चुअल समझ रहा था, बड़ी बड़ी आपसे ना एहतराम बात कर रहा हूँ मैं, आपको सामने को लजीज गर्म बिरयानी की प्लेट आए तो आपके, ओ भाई, पहली बात तो ये है कि तुम अपनी थोड़ी रीजनिंग और थिंकिंग को थोड़ा बैलेंस आउट करो। एक जायज़ काम को, एक हलाल काम को तुम्हें गलाजत, ठीक है ना, हराम कबीर काम से बुला रहे हो, और फिर तुम अपनी तरफ से बड़ी एटमोलॉजी बना रहे हो अपनी तरफ से कि भाई देखिए कलेक्टेड डॉट्स, अगर आप बिरयानी खा सकते हैं तो फिर आप तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा मजे की बात इसी, मतलब से अगर बंदी पूछ रहा, कोई खातून पूछती है कि भाई तुम शराब पियोगे, बेहतरीन आई है सज के, ठीक है ना, ट्रे भी बेहतरीन है, साथ आइस भी पड़ी हुई है, फुल डिस्को डिस्को बन के आई हुई है, फुल है, बेहतरीन VIP बन के आई है, तुम पियोगे? ये कहता नहीं पियूंगा मैं, लास्ट में कहता नहीं पियूंगा मैं, क्यों? क्योंकि आराम है। तो अगर वो चीज़ आराम है तो ये चीज़ आराम नहीं लग रही तुझे? मतलब क्या गंदी लॉजिक्स है भाई, खुदा खौफ करो, थोड़ा देख लो कहाँ बैठा हुआ हूँ, टीवी में बैठा हुआ, पर कहते हो बच्चे आते नहीं दीन पे, दीन से दूर हो रहे हैं बच्चे, ऐसी गंदी मंतक यूज़ करोगे, इतनी ऐसी गंदी लॉजिक्स यूज़ करोगे तो लोग दीन से दूर ही जाएंगे, जब फिर थोड़ा लेंगे दीन को। तो सिंपली भाई, अगर आप एक इंसान को और एक कुत्ते को डिफरेंस नहीं पहचान सकते हैं, एक हलाल और एक हराम में डिफरेंस नहीं पहचान सकते, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ना अपनी मंतक से इज्तनाब करें, और जितना लिखा हुआ स्क्रिप्ट में उतना ही पढ़ा करें, ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पा रहे, उसको उतने कैपेबल नहीं है अभी आप। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मंतक से जाया जाए ना, अगर आपकी मंतक से जाया जाए आगे कि भाई अगर आपने फॉर सम वियर्ड एस मंतक ऑफ योर्स आपने अगर ये लॉजिक बना भी दी कि भाई पर्दे से कनेक्ट कर दिया इस अपने पूरी बात को कि पर्दा नहीं है, तो उस वजह से ये इसका मतलब ये है कि आप क्या चाह रहे हैं कि अगर खातून बिना पर्दे के बैठ जाती है तो वो हड्डी है कुत्ते के लिए, विच फर्दर मीन्स कुत्ते पा रहे हैं, इस्लाम ने कुत्ते पाले हैं, माशा अल्लाह, इंसान में, मोमिन में, मुसलमान में इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुत नहीं है कि अपनी जो है ना, हालांकि इस्लाम नाम है सर तस्लीम खम करने का, सबमिशन का, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो अपने डिजायर्स को वो कर सके, कंट्रोल कर सके, ये कहना चाह रहे हो आप, ठीक है। अगर ये बात करना चाह रहे हो तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे हो, आप फजूल गंदी लॉजिक से ना इस्लाम का बड़ा गलत कर रहे हो, ठीक है, इस्लाम पे कीचड़ छिड़क रहे हो आप कि भाई इस्लाम ने ये निकाला है मर्दों के लिए कि भाई औरत अगर बिना पर्दे के बाहर जाएगी तो वो हड्डी बन जाएगी। थोड़ा सा ना लिहाज करके सोच के बनाची हमें कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना, कुत्ते को हड्डी और शहद को मक्खी नहीं होता हर चीज़, और खातून को ना कोई हड्डी है और ना कोई शायद है, खातून एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज क्रिएचर है तरह की, जो तरह ने एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाई हुई है, ठीक है, और इंसान भी मर्द भी, मर्दों को भी डिफेम कर रहे हो आप छोटी सी जगह जाने के लिए, यार मर्द भी अल्लाह का कुत्ता नहीं है कि वो कोई भी सामने आएगा तो अटैक कर देगा, खा जाएगा, शायद आज बन जाएगा, उसके पास दिमाग है, शऊर है उसके पास, उसके पास उसको पता है, सबसे जरूरी बात उसको पता है कि भाई मेरा हिसाब किताब होता है, ठीक है,
तो ये जो गंदा वाला लॉजिक है ना, ये खत्म कर दे प्लीज, इसको मार्केट से खत्म कर दे। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप एक गुनहगार को डिफेंड कर दे के उसकी सोकॉल्ड बर्बादी को डिफेंड करने के लिए, एक बेचारे मजलूम भी वो करते हैं और एक बहुत बड़े माशरे को और इस्लाम को कीचड़ में डाल देते हैं। मतलब इस्लाम में शायद है ही ऐसा कि पर्दा इसलिए औरतों को दिया हुआ है क्योंकि वो तक हड्डी ना बन जाए, क्योंकि भेड़िए बैठे हुए शायद पर, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। पर्दा क्यों है? पर्दा सबमिशन के लिए है, इस तरह और हमारी चीजें सबमिशन के लिए, मर्दों के लिए। और सबमिशन रहती है क्योंकि सबमिशन अल्लाह के लिए होती है, किसी इंसान के लिए नहीं होती, किसी बादशाह के नॉर्म के लिए नहीं होती। ठीक है, बात लंबी हो जाएगी, मैं क्या किसी को समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है सर मारो, लेकिन मैं अपनी आवाम को समझा रहा हूँ ये बात। और मैं वन थर्ड फॉर ऑल ये वाला वाकया पूरा, इस तरह के जो मामला होते हैं ना, उनको डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ कि सबमिशन अल्लाह के लिए होती है और ये पर्दा एक सबमिशन का फॉर्म है, उसको ताल्लुक के लिए मर्द से। ठीक है ना, और दूसरी बात यह है कि मर्द भी अल्लाह का शुक्र है, मर्द को भी थोड़ा मजबूत बना हुआ, मर्द भी इस्लाम की सर तस्लीम खम करता है, उसको भी पता होता है कि भाई अल्लाह का खौफ होना चाहिए उसको भी, उसको भी पता है मेरे सामने कोई चीज आ भी रही है, अपॉर्चुनिटी आ भी रही है और हराम है तो मैं नहीं करती। ठीक है ना, मर्द को क्या कुत्ता बना दिया तुमने? अल्लाह पाक ने ये तरबियत दी है इस्लाम ने? नहीं दिया ये तरबियत, तो कीचड़ क्यों छुड़क रहे हो अपनी सस्ती सीख को चलाने के लिए? ठीक है ना, ये मेरे हाथ जुड़े हैं भाई, आप जो है ये स्क्रिप्ट पढ़ लिया करें और स्क्रिप्ट के बाहर जाया करें, या फिर लिखवा लिया करें, इतने आले बैठे हुए ना आपने किसी एक से कहा करें मुझे लिखवा लिख दो भाई, मैं बड़ा चुस्से मारूंगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है पर्दे का इस तरह के किसी वास्ते से, डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट ताल्लुक निकल आए तो वो अलग मसला है। ठीक है ना, लेकिन पर्दा क्यों है? चूंकि पर्दा है सबमिशन, अल्लाह ताला की हाँ सर तस्लीम खम करना, अपनी खूबसूरती अल्लाह के आगे निशार कर देना, कुर्बान कर देना, इस तरह इमाम हुसैन ने सर किया था अपनी औलाद की थी। ठीक है, इस तरह मर्द में भी हजार अहकामात ऐसे हैं जो कि सर तस्लीम खम के लिए, कि अल्लाह ये मेरा रिजक, मेरा माल, मेरी जान, मेरी ताकत, ठीक है, मेरी मर्दादगी तेरे आगे कुर्बान। कुत्ते, बिल्ली, हड्डी, शहद, मक्खी, इनसे बाहर आओ, इतनी गंदी लॉजिक से रखोगे तो कहाँ, किससे कहाँ से कम्पीट करोगे, किससे कम्पीट करोगे, इस मंतक से कम्पीट करोगे? खैर, अल्लाह हाफिज।